जैसे आप छोटे जैसे सिटी से बॉम्बे गए हैं और न्यू कमर को काफी प्रॉब्लम होती है स्ट्रगल करने में, क्या है लगा आपको? आज कुछ नहीं, मेरे पिताजी हमेशा एक बात बोलते थे, हारियो न हिम्मत बिसारियो न हरिनाम। ये चीज मेरे दिमाग में हमेशा बैठी रहती थी और बिल्कुल दिक्कत होती है क्योंकि छोटे शहर से जब मैं नदियों के शहर से समंदर वाले शहर में गया था तो सब कुछ नया था और वो जो नई चीजें हैं जिस तरीके से आपकी जिंदगी में आती हैं उससे सीखिए और एक कदम आगे बढ़िए और बार बार ये कोशिश करते जाइए, रास्ता मिल जाता है। वही मेरे साथ हुआ। काफी संघर्ष करना पड़ा होगा। हाँ, आपने एक बड़े स्टार के साथ, निर्देशक के साथ आपने काम किया, कैसा महसूस हुआ? उनके साथ काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं जो अनुराग कश्यप सर के साथ काम करना चाहते हैं। मेरी 4 फिल्में हो चुकी हैं उनके साथ, तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। और 2010 में जब गैंग्स ऑफ वसीपुर की कास्टिंग चल रही थी तब पहली फिल्म मेरी उनके साथ हुई और बिल्कुल हर फिल्म में वो बहुत अलग होते हैं। जैसा सब्जेक्ट होता है फिल्म का, उस तरीके का माहौल होता है सेट पे और बहुत हंसते खेलते हम लोग काम करते हैं। फिल्मों में आजकल लकी मानता हूँ, फिल्मों में आजकल अश्लीलता बड़ी परोसी जाती है कुछ हीरोइनों द्वारा, कम कपड़ों में पहना के फिर या फिर बहुत ही बर्गल वो सीन दिखाई जाती है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, फिल्में हर तरीके की बनती हैं, आप कहाँ देख रहे हैं उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। मैंने जो फिल्में की हैं, मैं भी उसी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, मैंने जो फिल्में की हैं, मेरी फिल्म दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में गई है। जैसे कैन फिल्म फेस्टिवल में गैंग्स ऑफ वसीपुर थी, ऑस्ट्रेलिया में थी, न्यूयॉर्क में थी, अगली भी बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में थी जहां अवार्ड मिले अगली को, मुक्काबाज टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में थी, चाइना में थी और बहुत सारी ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म जहां लोग कोशिश करते हैं कि उनकी फिल्म जा सके। तो मेरी भी फिल्म इसी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फिल्मों को सराहा गया है जिन फिल्मों का मैं हिस्सा रहा हूँ। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हर तरीके की फिल्में बनती हैं, जैसे समाज में हर तरीके की चीजें हैं, आप क्या चुनते हैं, आपका चुनाव वो तय करता है कि आप किस तरह का काम करेंगे। क्या लोगों को उपदेश देना, बच्चों, आप जैसे यंगों को क्या उपदेश देना चाहते हैं जो एंटरटेनमेंट में जाना चाहता है? सपने देखिए और सपने देखने के साथ डेडिकेशन की बहुत जरूरत होती है और सपना देखना और लगन, ये दो चीज अगर मिल जाए तो कोई भी लड़का कोई भी लड़की चाहे वो गांव का ही क्यों ना हो कर सकता है और हमेशा होता रहा है। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में ये होता रहा है और हमेशा होता रहेगा क्योंकि ये दो कॉम्बिनेशन ऐसा है। आप लगन मत छोड़िए, हिम्मत मत हारिए और सपना देखिए, जो सोच के घर से निकले हैं होता है, पूरे होते हैं। धन्यवाद तहलका न्यूज़ सर को बात करने के लिए।